हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन पात्र। मेरे पास आए थे कि हम तुम जीएसटी क्लॉक यहाँ से थे, तो इसका जो लैंग्वेज चेंज सेटिंग अब कहाँ पर होता है मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक दे दूँ दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आपको ऊपर से नीचे तो आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, इसका क्लिक कीजिए। तो सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर साइड पर जो लोगो है और इस लोगो का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। तो कौन सा लोगो का मैंने क्लिक कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होने के बाद इस लोगो का भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर देखिए ये लोगो और उसकी जो ऊपर थ्री डॉट का लोगो है, ये आपकी जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए। तो उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ ऊपर है लैंग्वेज रैंक इनपुट की है, तो आप उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ ऊपर है, ये आपके लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कीजिए। तो ये देखोगे पहला वाला है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, उसको नीचे है आर लैंग्वेज, क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो कि आपको कंट्री चाहेंगे लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद सेल्ड डिफॉल्ट। तो ये कहिए आपको सेकंड वाला है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और पहला वाला है न्यूजीलैंड, ये आपको लैंग्वेज चेंज हो गया। तो यस हो गया, ठीक है। पूरी जगह चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी दे दीजिए और मैं वीडियो को अच्छा लगा तो बहुत सारे शेयर कर दीजिए।